नमस्कार दोस्त, भगवान शनि की यदि किसी पर महादशा चल रही हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, हमेशा कष्टों से घिरा रहता है। तो उसके लिए आज मैं लेकर आई हूँ कुछ आसान से उपाय, जो कि एक नक्षत्र के अनुसार बताऊंगी। हम सभी जानते हैं और पुष्य नक्षत्र बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन यह नक्षत्र बहुत ही कम बनता है, दुर्लभ मानिए, क्योंकि यह नक्षत्र कभी कभार ही बनता है, जिसकी वजह से शनि बहुत ज्यादा प्रसन्न हो सकते हैं। यदि आपके ऊपर शनि 7.5 चल रही है या फिर शनि की महादशा चल रही है, तो उसके लिए शांत करने के लिए पुष्य नक्षत्र माना जाता है। पुष्य शनि देव का सबसे चहिता माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो भी शनि का प्रकोप चल रहा है वह शांत हो जाए, तो उसके लिए आज उपाय लेकर आई हूँ। यदि आप उन उपाय को करते हैं और नक्षत्र इसी नक्षत्र में करते हैं, पुष्य नक्षत्र, तो वह आपके लिए सबसे लकी चार्म बन सकता है। क्या पता आपके ऊपर जो चल रही 7.5 शांत हो जाए। यदि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो आप पुष्प नक्षत्र में यानी कि शनिवार के दिन यदि यह नक्षत्र बनता है तो शनि देव पर तेल और काले तेल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर से चलने वाली शनि की महादशाएं शांत हो जाएंगी। या फिर आप जो भी व्यक्ति गरीब हैं, जिनको जरूरत है, उन्हें लोहे के बर्तन या फिर कंबल गिफ्ट करें या फिर मिठाइयां दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके ऊपर चल रही शनि की महादशा शांत हो जाएगी। पुष्प नक्षत्र में यदि जानवरों का भी ध्यान रखा जाए, उनके भोजन का, उनके पानी का स्थान रखा जाए और उनकी चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है, तो वह भी बहुत ज्यादा सफल माना जाता है। कहा जाता है बहुत ज्यादा पवित्र दिन होता है। यदि आप अपने ऊपर से शनि का प्रकोप हटाना चाहते हैं तो ये कार्य जरूर करें, ताकि आपके ऊपर चल रही शनि की 7.5 शांत हो जाए और आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। तो ये है वह उपाय, जो आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।